क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। आजादी। दोस्तों, ये खबर आपके कान खड़े कर देगी। जी हाँ, 5,000 मुस्लिम लड़कियों ने भागकर हिंदू लड़कों से शादी कर ली। प्रत्येक वेदी में बैठे हुए हमारे उपाचार्य महोदय, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी की एक वीडियो प्रकाश में आई है, जिसमें वो हिंदू लड़कों पर लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं। तो हम इन्हें बता देना चाहते हैं कि हिंदू लड़के लव जिहाद नहीं करते, केवल लव करते हैं, केवल प्रेम करते हैं और मरते दम तक निभाते हैं। ये वीडियो अल कमल टीवी पर 9 सितंबर को अपलोड की गई थी। नोमानी ने दावा किया कि 5,000 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों के साथ भागकर शादी कर ली और हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गई। नोमानी के मुताबिक लड़कियों की यह आबादी अधिकतर हाई प्रोफाइल वाले परिवारों से आती है। नोमानी ने अपने दावे के साथ ही मोबाइल फोन व स्कूल और कॉलेज में दी जा रही तालीम पर आरोप मढ़ दिया। उनके मुताबिक लड़कियों को ऐसी आजादी दी जाती है कि वह दूसरे समुदाय के लोगों के साथ दोस्ती कर लेती हैं और उनके अभिभावकों को इसका मालूम भी नहीं होता कि वो क्या कर रही हैं। नोमानी कहते हैं कि माता पिता अपनी लड़कियों को इस्लाम का तालीम नहीं देते और ना ही जानते हैं कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। सज्जाद नोमानी कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को हिंदू धर्म की ओर लुभाने के लिए सुनियोजित साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की ओर से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को लुभाने, उनके मजहब को बर्बाद करने और उनको इस्तेमाल करने के बाद छोड़ने की साजिश चल रही है। ये सब एक प्लान के तहत हो रहा है। लेकिन दोस्तों, चच्चा का आरोप बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो इस्लाम में होता है। हमारे यहाँ तो केवल प्रेम होता है और हमने एक बार प्रेम कर लिया तो जन्मों जन्मांतर यानी 7 जन्मों तक निभाते हैं। ये सनातन में नहीं सिखाया जाता कि महिलाओं को इस्तेमाल करके उनको छोड़ दिया जाए। जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए, और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे। मेरे साथ मजाक यही हो रहा है कि पहले मैं अपने शोहर के साथ निकाह होके गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया, फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शोहर की माँ बन गई। और क्या नाम, फिर से मेरे शोहर ने मुझे छोड़ा, फिर अपने भाई के लिए रिश्ता बनाने के लिए, तो मैं उनकी भाभी बन जाऊँ। तो इस तरह से मेरे साथ मजाक हो रहा है कि कब मैं उनकी माँ बन जाऊँ, भाभी बन जाऊँ, बीवी बन जाऊँ। बल्कि ये तो आपके यहाँ होता आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद वो कहते हैं कि मेरे सूत्रों से पता चला है कि एक ग्रुप है जो लड़कों को ट्रेनिंग देता है कि मुस्लिमों से कैसे बात करें। वो उन्हें सलाम वेलकम बोलना सिखाते हैं, पूछते हैं कि कैसे मिजाज हैं, और उन्हें खैरियत है, इंशाल्लाह, माशाल्लाह, रहमुदिल्ला, सुभानअल्लाह और अन्य शब्द कहना सिखाते हैं। वो हमारी बच्चियों से नर्म जुबान में बात करते हैं ताकि झांसे में फंसा सके। हम सब इसके लिए कुछ नहीं करते। नोमानी का कहना है कि पहले मुस्लिमों को अपने आस पास के बारे में पता होता था, लेकिन अब किसी दूसरे मुस्लिम की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले लोग अपने आस पास के बारे में जानते थे, वो इस्लाम के बारे में चिंतित रहते थे। जब तुर्की में खिलाफत खत्म हुई तो तहरीके खिलाफत हमारे देश में फलने फूलने लगा। क्या आप जानते हैं कि आपके आस पास क्या हो रहा है? केवल नमाज करना ही काफी नहीं है। दोस्तों, मौलाना के दावे में सबसे दिलचस्प बात ये है कि जैसा वो कह रहे हैं वैसा शायद ही कहीं कोई मामला प्रकाश में आया हो, बल्कि ये तो उल्टा है। मैं मुस्कान मंसूरी, मैं अपनी राजी खुशी के साथ इनके साथ आई हूँ और इनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं किसी के दबाव या बहकावे में नहीं हूँ और हमने कोर्ट मैरिज कर लिया है, हमें ढूंढने की कोशिश ना। अगर लव जिहाद फला फूला तो उसमें मुस्लिम युवक
और हिंदू लड़कियां अधिकतर शामिल दिखाई देती हैं। हमारे छोटो थे इसलाम धर्म प्रति मैं आकर्षण छोड़ इसलाम धर्म आगे थे अनेक भारत लगत और हिंदू धर्म मध्य अनेक देव देवी पूजा करे क्योंकि इसलाम धर्म मध्य ना इसलाम धर्म मध्य शुद्ध एक आल्ला विश्वास हमारे छोटो थे यहाँ भारत लगत तपर आर फ्रेंडर थे अनेक इन्सपिरेशन हई और जिज्ञेस करी और अनेक किस शिखी हमें तपर हमारे बाड़ पासे अनेक मुस्लिम छो और देखी और मैं नामज पढ़ा पर्दार विषय अनेक भारत लगत इसके अलावा ईसाई महिलाओं के साथ भी लव जिहाद जैसी घटनाएं होते रहती हैं और कई ईसाई समूहों की चिंता बढ़ते जा रही है। वास्तविकता यही है कि हिंदू समुदाय पर जिस साजिश का आरोप लगाया जा रहा है वो दूसरे समुदाय द्वारा पोषित की जा रही है। पिछले साल कानपुर में रैकेट का खुलासा हुआ था जहाँ तमाम हिंदू लड़कियां सामने आई थी जिन्हें मुस्लिम युवकों ने फंसाया था। रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई थी कि लड़कों को बकायदा पैसे देकर हिंदू महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाने का कारोबार चल रहा है और इसके लिए अच्छा खासा धनराशि उन्हें मिलता है। दोस्तों, सच तो ये है कि महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो इस्लाम में नहीं मिलता। आपने देखा होगा कि अक्सर वो लोग अपनी चचेरी बहन से शादी कर लेते हैं, ममेरी बहन से शादी कर लेते हैं। अब कोई भी बचपन से किसी को भैया बोलते आ रहा है और अचानक कोई उससे शादी कर ले तो भला कैसा लगेगा। और केवल इतना ही नहीं, फिर अगर मन गुस्सा हुआ तो उसे तलाक दे देते हैं और फिर अगर मन शांत हुआ तो फिर अपने पिता के साथ हलाला करा देते हैं, अपने बहनोई के साथ हलाला करा देते हैं। बताओ ये कहां का रिवाज है। और इसी कारण से मुस्लिम महिलाएं हिंदुओं की तरफ आकर्षित हो रही हैं क्योंकि वहां उन्हें इज्जत मिलता है, सम्मान मिलता है, बिल्कुल एक देवी की तरह। आप ये वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आखिर इस तरह की चीजें समाज में क्यों रही हैं और क्यों मौलाना कह रहे हैं कि 5000 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी कर ली।